दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का गजब समाचार में। दोस्तों अगर आप आसिम रियाज, अश्मि देसाई और गौतम गुलाटी इन तीनों के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये तीनों ही एक्स कंटेस्टेंट एज अ तूफानी सीनियर घर में एंट्री लेने वाले हैं। अब क्या है ये पूरा मामला, इस पूरे मामले को हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल आपको बताते हैं कि जैसा कि शो के शुरुआत में बताया गया था कि ये तीनों कंटेस्टेंट यानी कि हिना, सिद्धार्थ और गौहर मात्र 14 दिन के लिए घर में रहने वाले हैं और 14 दिन के बाद इन तीनों को घर से बेघर होना पड़ेगा। इन तीनों की जो हुकूमत घर पर अभी चल रही है वो बंद हो जाएगी। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि एज ए तूफानी सीनियर या एज ए न्यू तूफानी सीनियर आसिम, रश्मि और गौतम गुलाटी ये तीनों 14 दिन के बाद एंट्री लेने वाले हैं, यानी कि गौहर, सिद्धार्थ और हिना की जगह अब ये तीनों एक्स कंटेस्टेंट लेने वाले हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इन तीनों को शो का हिस्सा बनाना चाहिए या फिर किसी और कंटेस्टेंट को शो में बुलाया जाना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर आप मानते हैं कि इनकी जगह किसी और को बुलाया जाना चाहिए तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप इन तीनों के फैन हैं, आप चाहते हैं कि जी हाँ यही तीनों आने चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें। हम आपको बताते हैं कि बॉलीवुड लाइफ पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये तीनों आने वाले समय में आपको एज ए तूफानी सीनियर घर में देखने को मिलने वाला है।